अपने चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड में आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री किस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम आपके लिए लेके आए हैं विद ऑल पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इमीडिएटली स्टार्ट करते हमारा आज का सेशन ऑन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन थीटा रेज टू पावर 6 प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज, और ये रहे चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। देखिए ये क्वेश्चन आप जब स्टार्ट करेंगे तो इसको आप आइडेंटिटी से स्टार्ट करिएगा। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसमें आप क्यूबिंग कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स क्यूबिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 क्यूब। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो बेसिकली आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा रेस्ट पावर 6 प्लस कॉस थीटा रेस्ट पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसी की वैल्यू हमें निकाली तो डी इज द राइट ऑप्शन। डी को टिक कर दीजिए और इमीडिएटली रश करिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो देखिए जैसे ही आपको ये क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आप ड्रॉइंग कर लीजिए। यू ड्रॉ अ फिगर राइट एंगल एट बी, तो लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी। इसमें ए बी की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है और आपको गिवन है कि ए सी इज 1 प्लस बी सी। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, इस एंगल का साइन निकालना है और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए इसमें पता है आपको बाय पैथागोरस थ्योरम, आप इसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। बाय पैथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। बी सी वी डू नॉट नो बट ए सी वी नो दैट इज 1 प्लस बी सी। तो 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। दिस इज 49 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी। अब देखिए बी सी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए तो बेसिकली आप देखेंगे 48/2 दिस इज वॉट इज योर बी सी और योर बी सी इज बेसिकली 24। तो ये 24 आ गया है ना, ये जैसे आपका 24 आ गया तो आप ए सी निकाल सकते हैं। योर ए सी इज 1 प्लस 24 दैट इज 25। 1 प्लस 24 दैट इज 25। नाउ साइन सी, तो देखिए साइन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इस केस में एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर है ए बी और आपका हाइपोटेनस है ए सी, मतलब 7/25, मतलब ए अपना राइट ऑप्शन है। तो ए को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये रहे चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन को एक फंडे से सॉल्व करिए, है ना। आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये अपन को गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए अपन को ये पता है कि बॉस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल गई दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यही वैल्यू अपन साइन स्क्वायर ए पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज 1। तो ये 1 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस नेगेटिव कॉस स्क्वायर ए को आप शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे तो ये पॉजिटिव कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो जब आप फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसकी स्क्वायर आप करेंगे तो कॉस ए रेज टू पावर 4। अब हमें सारा टर्म्स कॉस के टर्म्स में चाहिए तो फिर से आप साइन स्क्वायर ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए रेज टू पावर 4 इज 1। तो 1 आपका राइट आंसर है, जी हाँ, ऑप्शन ए। ए को टिक कर दीजिए और इमीडिएटली रश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ टैन ए टैन ऑफ ए प्लस बी इज रूट 3
एंड टेन ऑफ ए माइनस बी इज़ 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है टेन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज √3, इट मीन्स ए प्लस बी इज 60 डिग्री। ये हमें फंडा पता होना चाहिए कि किस एंगल का टेन √3 होता है, दैट इज 60 डिग्री। एंड टेन ऑफ ए माइनस बी दिस इज गिवन एज 1/√3। तो हमें यह भी पता है कि 30 डिग्री का टेन 1/√3 होता है, तो वी विल से दैट ए माइनस बी इज 30 डिग्री। सो लेट अस एड 1 एंड 2। इफ यू एड 1 एंड 2 तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज 90 डिग्री, ए इज 45 डिग्री। इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो 45 प्लस बी इज 60 डिग्री, तो आपकी बी की वैल्यू आ गई, दैट इज 15 डिग्री। तो देखिए ए 45, बी 15, ए 45, बी 15, सी इज द राइट ऑप्शन, सी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट दिस वैल्यू। तो वी हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू, और ये रहे आपके चार ऑप्शन। तो देखिए ये जो वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, ये तभी पॉसिबल है जब इसमें सारे टर्म्स कॉट के टर्म्स में आ जाए। तो 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए ये इस आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे लिख दीजिए 1 स्क्वायर - sin²θ अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर - cos²θ। अब देखिए sin²θ + cos²θ इज 1, इट मीन्स 1 - sin²θ इज cos²θ। तो हो जाएगा cos²θ अपॉन sin²θ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cot²θ। cot θ हमें गिवन है, मतलब 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 49/64। जी हाँ, बी आपका राइट ऑप्शन है, बी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इफ टेन ए प्लस कॉट ए इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए रेज टू पावर 4 प्लस कॉट ए रेज टू पावर 4, और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। देखिए जो गिवन है टेन ए प्लस कॉट ए इज 4, तो इसको आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप इसे बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो टेन ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा 10² a प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a कॉट ए इज 16। तो देखिए कॉट इज 1/10 a, तो आप इसे लिख सकते हैं 10² a प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a एंड कॉट ए इज अगेन 1/10 a इज 16। देखिए 10 10 कैंसिल हो गया, इस 2 को आप जंप करा के राइट हैंड साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10² a प्लस कॉट स्क्वायर ए इज 14। स्क्वायरिंग अगेन, फिर से स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर से स्क्वायर करेंगे तो 10² a प्लस कॉट स्क्वायर ए होल स्क्वायर इज 14 स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा 10⁴ a प्लस कॉट रेज टू पावर कॉट 4 a प्लस 2 10² a इंटू कॉट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 196। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विल बिकम 1। तो बेसिकली 10 a रेज टू पावर 4 प्लस कॉट ए रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 194। जी हाँ, सी, सी आपका राइट ऑप्शन है, सी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इफ sec a प्लस 10 a इज एक्स, देन 10 a इज हाउ मच, और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। sec a प्लस 10 a इज गिवन टू यू एस एक्स। नाउ एज पर आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी से स्टार्ट करिए, एज पर आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिटीज, तीनों आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। sec स्क्वायर a प्लस 10² a इज 1। आप देखिए 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए आप। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं sec a प्लस 10 a इंटू
sec a माइनस टेन ए। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग लर्न कर लीजिएगा, है ना, इसी अप्रोच से सॉल्व करिएगा, बहुत इजी सॉल्व होएगा। sec a प्लस टेन ए की वैल्यू एक्स रख दीजिए आप, जो आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा sec a माइनस टेन ए इज इक्वल टू वन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, sec a माइनस टेन ए इज इक्वल टू वन बाय एक्स। बेसिकली हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी है, तो वन माइनस टू कर दीजिए। जब आप वन माइनस टू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा टू टेन ए, क्योंकि sec a तो कैंसिल हो जाएगा, और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स। एलसीएम ले लीजिए और फिर टू को शिफ्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स ये आपका आंसर हो जाएगा, ये टेन ए की वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू एक्स। बी इज द राइट ऑप्शन, तो बी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। इफ वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू हाउ मच, और ये रही इसकी वैल्यूज। देखिए ये क्वेश्चन में आप क्या करिए, वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। व्हाट वी आर डूइंग हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, वी हैव डिवाइड, वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वन प्लस कॉस ए। तो देखिए फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन ए वन प्लस कॉस ए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए। एक साइन कैंसिल आउट कर दीजिए, तो साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, बी आपका राइट ऑप्शन है, बी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इफ साइन थीटा इज ए बाय बी देन टैन थीटा इज हाउ मच। देखिए इसमें आपको साइन थीटा गिवन है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा साइन थीटा इज ए बाय बी, सबसे पहले आप ट्राइंगल रूल से करिए कि लेट दिस एंगल बी थीटा। नाउ साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, दैट इज ए बाय बी। तो सपोज आपका कोई ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, तो आपको जो परपेंडिकुलर गिवन है दैट इज ए, तो आप इसमें ए टाइम्स ऑफ के ले लीजिए, एंड हाइपोटेनस दैट इज ए सी बी, बी टाइम्स ऑफ के, देन बाय पैथागोरस थ्योरम, आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। व्हेन यू अप्लाई पैथागोरस थ्योरम देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी सी, वी डू नॉट नो, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो आप इसमें साइड चेंज कर दीजिए और आप इसमें वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज के टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, देन वी विल फाइंड आउट टैन थीटा। तो टैन थीटा इस केस में हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो माई परपेंडिकुलर इज ए बी एंड माई बेस इज बी सी, सो ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, ए बी इज ए टाइम्स ऑफ के, एंड अभी हमने बेस की वैल्यू निकाल ली, दैट इज के टाइम्स ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी हाँ, सी, सी आपका राइट ऑप्शन है, सी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्क्रीन पे। इफ सेवन साइन स्क्वायर ए प्लस थ्री कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू फोर देन शो दैट टेन ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी सी डी, ये रहे आपके चार ऑप्शन। तो देखिए जो क्वेश्चन गिवन है सेवन साइन स्क्वायर ए प्लस थ्री कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू फोर, इसमें हमें टेन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए ऑन बोथ साइड्स। सो इफ यू डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए ऑन बोथ साइड्स, सो अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड दिस इज फोर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेवन टेन स्क्वायर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर सेक्स स्क्वायर ए, और सेक्स स्क्वायर ए की आप वैल्यू रख दीजिए, दैट इज वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सेवन टेन स्क्वायर ए और फोर टेन स्क्वायर ए को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और थ्री को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो बेसिकली टेन स्क्वायर ए आप देखेंगे ये हो जाएगा वन बाय थ्री, तो बेसिकली माई टेन ए इज वन बाय रूट थ्री। जी हाँ, डी आपका राइट ऑप्शन है, डी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, ये आपकी स्क्रीन पे। इफ टेन ए प्लस सेक ए
वन प्लस टेन ए प्लस सेक ए मल्टीप्लाइड विद वन प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू हाउ मच, ये रहे आपके चार ऑप्शंस। ठीक है, जो ऑप्शन गिवन है इसमें हम साइन ए प्लस टैन को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए एंड सेक को लिखेंगे हम वन बाय कॉस ए। सिमिलरली वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, देन विल टेक एन एलसीएम कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए। देन इफ यू टेक एन एलसीएम ऑफ साइन ए तो हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। तो देखिए आप इस पूरे को एक एज्यूम कर सकते हैं, लेट से इट बी ए, लेट से इट बी पी, तो ये एक टर्म है, दैट इज़ यू कैन ऑलवेज राइट कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन अपॉन साइन ए कॉस ए। सो इफ यू टेक दीज टू टर्म्स टुगेदर इट इज़ वन प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन अपॉन टू साइन ए कॉस ए। तो आप देखिए वन को कैंसिल आउट कर दीजिए तो यू विल बी लेफ्ट विथ टू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, और साइन ए कॉस ए को आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो बेसिकली टू विल बी लेफ्ट आउट, डी इज द राइट ऑप्शन। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज टू देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कोसेक एक्स को लिखेंगे वन बाय साइन एक्स, विल राइट कोसेक एक्स इज वन अपॉन साइन एक्स विच इज टू। अब हम एलसीएम ले लेंगे साइन एक्स का, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू साइन एक्स। फिर हम लेफ्ट में ले जाएंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ज़ीरो। देखिए ये फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का इज ज़ीरो, इट मीन्स साइन एक्स माइनस वन इज ज़ीरो, इट मीन्स साइन एक्स इज वन। इफ साइन एक्स इज वन इट मीन्स कोसेक एक्स इज ऑल्सो वन अपॉन साइन एक्स विच इज़ वन। सो बेसिकली आपका ये जो रिक्वायरमेंट है दैट इज साइन एक्स रेज टू पावर 19 प्लस कोसेक एक्स रेज टू पावर 20 दैट इज वन रेज टू पावर 19 प्लस वन रेज टू पावर 20 विच इज अल्टीमेटली टू। तो टू आपका राइट ऑप्शन है, सी, सी को टिक कर दीजिए एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पे, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज जीरो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सो एंड सो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रहा है इसके चार ऑप्शंस। देखिए जो गिवन है आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसको आप रीड करिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज वन। बॉस टैन थीटा इज वन, आई नो थीटा शुड बी 45 क्योंकि टैन 45 ही वन होता है। अब थीटा 45 आ गया तो अपन को ये वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, साइन थीटा रेज टू पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 4 इज बेसिकली साइन 45 रेज टू पावर 4 प्लस कॉस 45 रेज टू पावर 4। अब देखिए दिस इज 1 बाय रूट टू, तो 1 बाय रूट टू रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय रूट टू रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, तो दिस इज बेसिकली 2 बाय 4, 1 बाय 2। सी आपका राइट ऑप्शन है, सी को टिक कर दीजिए। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो देखिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी दिस इज ए बी सी, और आपको जो गिवन है ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, हमें साइन ऑफ एंगल ए निकालना है, और ये रहे आपके चार ऑप्शन। तो जो आपको गिवन कंडीशन है ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25। तो बेसिकली आप किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम ए सी को हम लिख सकते हैं 25 माइनस बी सी। अब आप पैथाग्रस थ्योरम लगा दीजिए, बाय पैथाग्रस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर।
तो आप ए बी की वैल्यू रख दीजिए 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर दिस इज 25 प्लस बी सी स्क्वायर, और 25 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 × 25 × BC, तो ये हो जाएगा 25 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 50 BC। तो बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हम इसे शिफ्ट करके 50 BC इज इक्वल टू 600, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 12 12 सेंटीमीटर। वंस यू गेट बी सी यू कैन फाइंड आउट ए सी, दैट इज 25 माइनस 12 मतलब 13। तो देखिए साइन ए निकल जाएगा, साइन ए जो हमें निकालना है, साइन ऑफ एंगल ए इज एक्चुअली बी सी अपॉन ए सी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 12 अपॉन 13। तो जी हाँ, 12 अपॉन 13, तो 12 अपॉन 13 कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज आपका आंसर है। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, दिस इज ट्रू व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ये रहे आपके चार ऑप्शन। देखिए जो आपको गिवन है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, तो इसमें अपन जीरो प्लेस कर देते हैं, साइन जीरो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 0, तो साइन 0 इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 2 × 0, तो बोथ आर 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ए आपका राइट ऑप्शन है, ए आपको टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1 − tan² 45 / 1 + tan² 45, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी रिलीज़ किया है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे आपको 1 − tan² 45 + tan² 1 + tan² 45 कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप करेंगे 1 − 1² / 1 + 1², तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0/2 मतलब 0। तो 0 इज बेसिकली टैन 0, टैन के टर्म्स में आप लिखेंगे तो टैन 0, तो डी आपका राइट आंसर है, डी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 2 tan 30 / 1 + tan² 30, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और ये रहे आपके चार ऑप्शंस, तो इन ऑप्शंस में हम चेक कर लेंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए इसमें आपको 2 tan 30 वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 × 1/√3 / 1 + 1/√3² तो हो जाएगा 2 √3 / 1 + 1/3, तो आप एलसीएम ले लीजिए 2√3 × 3/4। अब 3 को 2 1 ज़ा 2 ज़ा ये कैंसिल आउट हो गया, और √3 1 ज़ा, और 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो √3/2। अब √3/2 आप देखेंगे तो साइन 60, जी हाँ साइन 60 इज द राइट ऑप्शन, बी आपका राइट ऑप्शन है साइन 60, इसको टिक कर दीजिए। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये वैल्यू निकालनी है और ये रहा है इसके चार ऑप्शन, तो देखिए आप को वैल्यूज लर्न होनी चाहिए और हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5 cos² 60, तो cos 60 की वैल्यू हम ले सकते हैं, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2² प्लस 4 × sec² 30, sec² 30, तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 2√3² माइनस 1/1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो 15 + 64 − 12, 67/12, तो बी आपका राइट ऑप्शन है, बी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इज 1 देन 2 sin A cos A, तो देखिए आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है राइट एंगल एट बी, ए बी सी, अब टेन ए दिया हुआ है आपको 1, तो बेसिकली ए की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, सो आप 2 sin A cos A निकाल सकते हैं, 2 sin A cos A दैट इज 2 sin 45 cos 45, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1/√2 × 1/√2, तो बेसिकली कैंसिल आउट करके 1 हो जाएगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ 15 cot A इज 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए जब भी आपको ये वैल्यू दिया हो cot A,
कॉट ए इज 8/15, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। राइट एंगल एट लेट्स से बी ए एंड सी। अब कॉट का जो फॉर्मूला है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 8/15। तो बेसिकली योर बेस इज ए बी अपॉन बी सी इज 8/15। तो आप ए बी को एज्यूम कर लीजिए 8K और बी सी को एज्यूम कर लीजिए 15K। फिर आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। जब आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पैथागोरस थ्योरम सेज दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इज 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वी डू नॉट नो ए सी स्क्वायर, तो हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बेसिकली आप ए सी कैलकुलेट करेंगे 289K स्क्वायर। तो देखिए 289 रूट होता है 17 का, तो 17K इज योर आंसर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन ए। साइन बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, ये फंडा अपन को क्लियर होना चाहिए। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी, तो अपन बी सी की वैल्यू रख देंगे। बी सी इज 15K अपॉन ए सी इज 17K, तो 15/17 इज आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए को टिक कर दीजिए। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में। मैच द कॉलम्स, ये रहा ऑप्शंस आपके सामने। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट इज सेक थीटा, तो आपका ऑप्शन सी या डी होगा। सिमिलरली एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट दिस इज कॉट थीटा, तो बेसिकली आपका ऑप्शन डी होगा। तो ओवरऑल डी इज द राइट आंसर, डी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज एंड दिस इज गिवन टू यू। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस 90। तो देखिए कॉस 0 इज 1, कॉस 1 वी डू नॉट नो, कॉस 2 वी डू नॉट नो एंड सो ऑन, बट कॉस 90 वी नो विच इज अल्टीमेटली 0। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो सी इज द राइट आंसर, सी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफाइड रेशियो। तो देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट इज बेसिकली 1/10 अल्फा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। तो देखिए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर इज 10 स्क्वायर अल्फा। तो 10 स्क्वायर अल्फा डी इज द राइट ऑप्शन, तो डी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बाय साइन ऑफ 45 कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 30, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो वाई साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज 1/√2, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2 होल स्क्वायर। देखिए हो जाएगा वाई बाय टू एंड दिस विल बी 1 माइनस 3/4। तो वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, आप एलसीएम ले लीजिए 4 का, 4 माइनस 3 मतलब 1/4, मतलब वाई इज हाफ। तो बी आपका राइट ऑप्शन है, बी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपकी स्क्रीन पे। 5 tan² a - 5 sec² a + 1 इज इक्वल टू हाउ मच। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसमें 5 tan² a - 5 sec² θ का जो फॉर्मूला है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a + 1, फिर आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 5 tan² a - 5 - 5 tan² a + 1 -4 इज आंसर, डी को टिक कर दीजिए, डी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इफ कॉस थीटा इज हाफ एंड साइन फाइ इज हाफ, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइ। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। देखिए कॉस थीटा इज हाफ, सो इट मीन्स थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज 60 डिग्री, एंड साइन फाइ इज इक्वल टू हाफ, इट मीन्स फाई जो वैल्यू होगी दैट इज 30 डिग्री। सो बेसिकली थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री, सो विल बिकम 90 डिग्री।
सी इज द राइट ऑप्शन, सी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इफ साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज वन एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज वन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी इज वन, सो बेसिकली ए प्लस बी इज 90 डिग्री, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज वन, सो बेसिकली ए माइनस बी इज 0 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2, तो 2 टाइम्स ऑफ ए इज 90 डिग्री, सो बेसिकली माई ए इज 45 डिग्री। इफ ए इज 45, इट मीन्स बी इज ऑल्सो 45, बिकॉज अल्टीमेटली ए माइनस बी इज 0, तो ए 45 बी 45, सी इज द राइट आंसर, सी को टिक कर दीजिए। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इफ sec a प्लस 10 ए इज इक्वल टू एक्स, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। और तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन, ये रहे आपके चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए sec ऑफ एंगल ए प्लस 10 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। नाउ वी नो दिस फॉर्मूला, वी नो दिस आइडेंटिटी, तो हम इस आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो इसमें आप 10 स्क्वायर ए को शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज वन। अब इसकी वैल्यू एक्स होती है, तो डेफिनेटली सेक ऑफ एंगल ए माइनस टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। वी नीड द वैल्यू ऑफ sec a, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए। इफ़ यू डू इक्वेशन 1 प्लस 2, तो हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एक्स। डी इज द राइट ऑप्शन, डी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इफ tan ऑफ एंगल 3x प्लस 30 डिग्री इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए जो आपको गिवन है, tan ऑफ 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45। शिफ्ट कर दीजिए, 3x इज 15 डिग्री, x इज 5 डिग्री। डी इज द राइट ऑप्शन, डी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos 0 प्लस एंड y इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ sin 0, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। देखिए वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos 0, दैट इज a, एंड y इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ sin 0 डिग्री, दैट इज 0। नाउ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, x की वैल्यू a स्क्वायर इंटू 0, तो बेसिकली a स्क्वायर b स्क्वायर इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर, c को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इफ रूट 3 टैन 2 थीटा माइनस 3 इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। देखिए रूट 3 टैन 2 थीटा माइनस 3 इज 0, इट मीन्स टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 3, एंड लेट अस नॉट इवन शिफ्ट रूट 3। अल्टीमेटली आप जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाय रूट 3, एंड टैन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, सो बेसिकली 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द राइट ऑप्शन, बी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाय कोसेक ए। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कोसेक ए एंड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, बिकॉज कोसेक ए इटसेल्फ इज 1 अपॉन साइन ए, तो मैक्सिमम ऑफ साइन ए, एंड मैक्सिमम ऑफ साइन ए इज 1, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी को आप टिक कर दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, ये आप लोग को आइडिया होना चाहिए। साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, तो साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। sec a इज इक्वल टू एनी ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज sec a। तो देखिए cot को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, दैट इज cos a अपॉन साइन ए, तो दिस साइन ए विल गो इन द न्यूमरेटर, इट विल बिकम tan a, विच कैनॉट बी sec a,
and this will become sin a, which cannot be sec a. Now 1 plus cot square a, this is cosec square a, and this will become 1 upon sin, 1 upon root of cosec square a, which is 1 by cosec a, matlab sin a ultimately. So d is only left out, so d should be the answer. We can even further verify it. This is cosec a upon cot a. Cot a is cos a upon sin a. So once sin a will go in the numerator, you are left only with 1 by cos a, which is sec a. Sec a is the right option. D is the right option. Let us go to the next question. Question number 34. If tan theta plus cot theta is 5, then you have to find out this value. And these are the given four options. देखिए इसमें हम क्या करेंगे? Tan theta plus cot theta is equal to 5. Squaring. हम square कर देंगे. Tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta cot theta is equal to 5 square. So 25. So this is what we have to calculate. And tan theta into cot theta is 1. So tan square theta plus cot square theta is equal to 23. So A is the right option. A ko tick kar dijiye. And let us rush to the next question. Question number 35. Here aapki screen pe. What is the minimum value of cos theta when it is lying from 0 to 90 degree? So dekhi, jab angle 0 hai, to aap cos 0 nikal lijiye. Cos 0 is 1. और जब एंगल 90 डिग्री है तो आप cos 90 निकाल लीजिए. तो cos 90 इज 0. तो आई कैन से दैट इफ माय एंगल इज बिटवीन 0 टू 90, माय cos थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 1. तो मिनिमम वैल्यू इज 0. बी इज द राइट ऑप्शन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. इफ इन ट्रायंगल एबीसी सी इज 90 डिग्री, देन फाइंड इज साइन ऑफ ए प्लस बी. तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, सी इज 90, इट मीन्स ए प्लस बी इज 90. So I can find out sine of angle A plus B. Sine of angle A plus B is sine 90. Sine 90 is 1. So 1 is the right option. D ko tick kar dijiye. And let us rush to the next question. Question number 37. If sine A minus cos A is 0, then you have to find out the value of sine of angle A raised to power 4 plus cos of angle A raised to power 4. Aur ye rahe aapke 4 options. So dekhiye jo given condition hai usko aap aise read kariye. Sine A is equal to cos A. Cos A ko right hand side pe shift kar dijiye. Fir isko wapas लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लीजिए. तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए एंड दिस इज 1. तो माई एंगल ए इज 45. इफ माई एंगल ए इज 45, आई कैन वेरी वेल से दैट साइन 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस कॉस 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन 45 होल रेस्ट पार 4 प्लस कॉस 45 होल रेस्ट पार 4. तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय रूट 2 होल रेस्ट पार 4 प्लस 1 बाय रूट 2 होल रेस्ट पार 4. तो दिस इज 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2. तो डी इज द राइट ऑप्शन. डी को टिक कर दीजिए. तो लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. ये रहा आपकी स्क्रीन पे. 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस. तो देखिए आप इसकी वैल्यू रख दीजिए. टैन थीटा इज 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर. तो हो जाएगा 2 बाय रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3. तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए. 2 बाय रूट 3 अ होल अपॉन 3 माइनस 1 बाय 3. तो हो जाएगा 2 बाय रूट 3 इंटू 3 बाय 2. देखिए 2 2 कैंसिल हो गया. रूट 3 से कैंसिल करेंगे 3 को तो रूट 3 आ जाएगा. तो रूट 3 मीन्स टैन 60 डिग्री. जी हाँ, सी आपका राइट ऑप्शन है. सी को टिक कर दीजिए. तो ये चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39 में. इफ टैन थीटा इज ए बाई बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. और ये रहे आपके 4 ऑप्शन. देखिए आपको जो रिक्वायर्ड है दैट इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा. तो इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा. आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए. तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा एंड देन अगेन डिनोमिनेटर भी हम डिवाइड कर देंगे. ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो हो जाएगा ए टैन थीटा प्लस बी अपॉन ए टैन थीटा माइनस बी. तो टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए बाई बी एंड ए इंटू ए बाई बी माइनस बी. तो आप एलसीएम ले लीजिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी. बी बी कैंसिल हो गया. तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी इज द राइट ऑप्शन, बी को टिक कर दीजिए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इफ टैन थीटा इज 1/√3 देन यू हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू। और ये रहे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। देखिए आपको जो गिवन है टैन थीटा इज 1/√3, तो आप इमीजिएटली बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। और जो अब आपको कैलकुलेट करना है आप उसमें थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 30 डिग्री। तो जब आप उसमें 30 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक 30 होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर अपॉन, सिंपली हमने एंगल सब्सटीट्यूट कर दिया 30 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो दैट इज 2 स्क्वायर माइनस सेक 30 की हम वैल्यू रख देंगे 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 4/3 अपॉन 4 प्लस 4/3, तो 8/3 अपॉन 16/3। 3 से कैंसिल हो गया, हाफ आ गया आंसर। तो सी इज द राइट ऑप्शन, सी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन बी। देखिए ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें ये टोटल आपको गिवन है 14, तो बेसिकली ये वैल्यू तो सेम हो जाएगी 5, तो आप इसे 5 मार्क कर सकते हैं। एंड सो दिस वैल्यू विल बी 14 माइनस 5 दैट इज 9। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 10b एंड दिस इज 13, तो आप इसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। इन राइट ट्राइंगल AED बाय पैथागोरस थ्योरम AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो AE इज 5, ED स्क्वायर वी डू नॉट नो एंड दिस इज 13 स्क्वायर। तो बेसिकली ED स्क्वायर इज 169 माइनस 25, सो माई ED इज √144, दिस इज 12। तो देखिए ये 12 है। अब आप सिंपली टेन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेन बी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। माई परपेंडिकुलर इज ED अपॉन EB, दिस इज 12/9। आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4/3। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए को टिक कर लीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इफ साइन थीटा इज 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot² θ + 2। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए 2 cot² θ + 2, तो आप इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा cot² θ + 1 एंड दिस इज cosec² θ। एंड cosec² θ इज 2/sin² θ एंड sin² θ इज 1/3 का होल स्क्वायर। तो 2 × 9 मतलब 18 इज द आंसर। 18 को आप टिक कर दीजिए। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इफ टेन इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सो एंड सो। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए ये जो आपको कैलकुलेट करना है साइन ऑफ ए, इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इंटू सेक ए प्लस कॉट ए इंटू सेक ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक इज बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस टेन ए हो जाएगी। टेन ए प्लस 1, टेन ए की वैल्यू दी है 5/12 + 1। जी हाँ 17/12 इसका आंसर है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी को टिक कर लीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी। देखिए एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, सी इज 90 डिग्री, तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज विल बी कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में। इफ थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 देन सेक थीटा क्या होगा। देखिए जब थीटा 0 to 90 लाई करता है तो जो कॉस थीटा है दैट लाई बिटवीन 0 to 1। और यदि आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, यदि आप सारे टर्म्स को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/0, 1/cos θ, 1/1, तो दिस इज सेक थीटा, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos θ देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस।
तो देखिए आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज रूट थ्री, टैन थीटा इज रूट थ्री, बेसिकली थीटा इज 60 डिग्री। सी इज द राइट ऑप्शन, सी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है टैन ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इफ यू से टैन ए दिस इज साइन बाय कॉस, एंड इफ आई ट्राई टू सॉल्व आई नो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज वन, सो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर ए इज वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दिस इज साइन ए अपॉन रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सी इज द राइट ऑप्शन, सी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज ए फॉर्मूला फॉर कोस एक्स स्क्वायर ए, दिस इज एक्स स्क्वायर ए। आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, बेसिकली इट इज कॉट स्क्वायर ए। एंड कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, सो सी इज द राइट ऑप्शन। लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इफ कोसेक ए माइनस कॉट ए इज 4/5 देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक ए। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड आइडेंटिटी कम्स इन टू पिक्चर। तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि एज पर आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज वन, सो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसकी हम वैल्यू रख देंगे 4/5, सो कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 5/4। तो ये जो गिवन कंडीशन, इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिए और ये इक्वेशन टू है। हमें कोसेक ए निकालना है, वन प्लस टू कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू कोसेक ए इज इक्वल टू 4/5 प्लस 5/4। तो बेसिकली कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 25/20 इंटू टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 41/40। जी हाँ, डी इज द राइट ऑप्शन, डी को टिक कर दीजिए। एंड लेट अस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इफ साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा इज थ्री देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वन, प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस वन टू वन। सो विद द गिवन कंडीशन इफ साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री इज थ्री, देन इट इज पॉसिबल ओनली इफ साइन थीटा वन इज इक्वल टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू साइन थीटा थ्री एंड दे ऑल शुड बी वन, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफोर कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री दिस विल बी इक्वल टू कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90, सो इट इज अल्टीमेटली जीरो। जीरो इज द राइट ऑप्शन, जीरो को टिक कर दीजिए। I hope all of you have liked this video. If you have liked this video, kindly like, share and subscribe it. And I wish you all the best for your exams. Thank you.